तो कितना साल हो गया आपको यहाँ पे? मेरे को 12 साल हो गए। 12 साल हो गया, बाप रे। 12 साल से मतलब आप यहाँ पे बकरी चला रहे हैं? बकरी चला रहे हैं 12 साल। ये है भाई जो कि भाई सहारा के रेगिस्तान में भेड़ बकरियां चराते हैं भाई। ये देखो, ये है इनकी जिंदगी। देखो मजबूरी है भैया, क्या करें, मजबूरी है। 400 बकरियां ये भाई चराते हैं। तो कितने घंटे काम करना पड़ता भाई? 24 घंटा। 24 घंटे बकरी चलाओ। ये देखो देखो, अगर यहाँ तो दिक्कत, तुम्हारा दिमाग तो खराब हो गया होगा। दिमाग तो पहले ही खराब हो गया था, क्या क्यों कर रहे हैं? 400 बकरियां अकेले चलाते हैं और इसके अंदर ये सारे भेड़ जो हैं बंद रहते हैं। ये देखो, अच्छा मतलब किचन वगैरह सब इसी के अंदर। भाई बकरियां कितनी खतरनाक है यार, ये देखो। आहा, ओहो, ये देखो पूरा घर है इनका। आहा, देखो यहाँ पे खाना बनाते हैं और ऐसी इनकी लाइफ है। देखें यहाँ पे सोते हैं। देखें इनको, ये धूप में भाई, इतनी तेज धूप है ना कि मुझसे खड़ा नहीं हो जा रहा। और ये देखो यहाँ पे काम करते हैं इनकी जिंदगी। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग वीडियो। गाइस एक और नया दिन, एक और नया व्लॉग। गाइस अभी मैं मौजूद हूँ सऊदी में और गाइस आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ सऊदी के जो मजरे की लाइफ होती है। वहाँ पे इंडिया के, पाकिस्तान के, बंगाली के लोग काम करते हैं, बोले तो ऊँट चराते हैं, भेड़ा चराते हैं, तो उनकी ज़िंदगी कैसे होने वाली है वो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो अभी मैं मौजूद हूँ सहारा का, आपने रेगिस्तान सुना होगा सहारा का, उस रेगिस्तान में मौजूद हूँ। और यहाँ पे तो कितने सारे कैंप वगैरह, तो आज हम सब चलने वाले हैं। ये देखो, ये सब ऊँट चराने वाले के कैंप बने हुए हैं। ये देखो हमारी गाड़ी यहाँ पे लगी, फटाफट चलते हैं भाई। चलो। यहाँ पे शाहिद भाई है और ये भाई है और ये हमारे भाई जो कि छुट्टी जाने वाले हैं। तो आज पूरा हम आपको दिखाने वाले हैं कि भाई जो मजरे की लाइफ होती है वो कैसी होती है। शाहिद भाई, अभी हम कहाँ जा रहे हैं? हमारे कफील का जो है मजरा है यहाँ। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे इंडियन वर्कर काम करते होंगे? इंडियन वर्कर काम करते हैं। अच्छा अच्छा, तो देखो भाई पूरा ये रेगिस्तान है और इसको सहारा का रेगिस्तान बोलते हैं भाई। ये देखे, ओह इधर देखे भाई कितने सारे ऊँट है। ये देखो रेगिस्तान का जहाज जिसे कहते हैं। तो भाई यहाँ पे शाहिद भाई उनसे एड्रेस पूछ रहे हैं क्योंकि ये भूल गए। मजबूत يا عمي بس ابي ادور في واحد خيمه هنا موجوده حق نواف اجمي لا ما في ما له هو في عامل صادق هندي هندي اي صادق اسم اسمه مين اسمه عامل حق هندي شغل جمل اي شغل جمل بكر في بكر بكر يا حمار غنم وجمل بس لا ما في। तो भाई साहब रेगिस्तान में हम रास्ता भटक चुके हैं भाई, पूरे 2 घंटे से हम इधर उधर भटक रहे हैं। खाली ऐसे के जो खेमे ना, यही खेमे दिख रहे हैं। तो अभी शाहिद भाई गए, कॉल लगा रहे हैं, नेटवर्क भी नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो शाहिद भाई गए पूछने के लिए। बाकी आप देख सकते हैं चारों तरफ सिर्फ रमल ही रमल रेगिस्तान। और भाई यहाँ पर ही लोग आते हैं काम करने वाले, इंडिया के हों, ऊँट चराने वाले। ज़िंदगी देखो भाई कितनी ख़तरनाक होती है धूप में, ना नेटवर्क ना देखो कुछ। और ये जो कैंप बने ना, इसमें मतलब वर्कर नहीं रहते हैं, जो सऊदी होते हैं ना वो आते हैं यहाँ घूमने के लिए, उनकी फैमिली वो लोग इसमें रहते हैं। ये देखो भाई, और जैसे कि आप सामने देख पा रहे होंगे, ये देखो ये ऊँट चर रहे हैं। देखो ये देखें, देख रहे हैं। चलो अब ये एड्रेस पता चल जाए तो फिर आपको ले चलते हैं और बात करने वाले हैं भाई आज जो मजरे में जो काम करते हैं उनकी लाइफ कैसे होती है। वैसे हम तो रास्ता भटक गए और ऊँट वगैरह सूख रहे हैं पानी कमी से। तो भाई साहब आप देखो भाई, रेगिस्तान के जहाज जा रहा है। ये देखो ऊँट, ये देखें, ओहो हो, ये जा रही है, इन्हीं को चराते हैं। देखो वो देखो, ये वर्कर हैं, ये इंडिया के हो सकते हैं, बांग्लादेश के हो सकते हैं, पाकिस्तान के भी हो सकते हैं। ये देखें इनको, ये धूप में भाई, इतनी तेज़ धूप है ना कि मुझसे खड़ा नहीं हो जा रहा। और ये देखो यहाँ पे काम करते हैं इनकी ज़िंदगी। तो चलो आज इनसे बात भी करेंगे। ये देखें, ये देखो भाई साहब, ये देखें कितने सारे ऊँट हैं भाई, सत्य कितने सारे ऊँट हैं। शायद भाई एक ले लें ऊँट। अरे बिल्कुल ले लो। इनको जहाज में बैठा लेंगे अपने सीट में, लेके जाना जहाज में। मगर टिकट करवाना पड़ेगा इसका भी ना, फुल टिकट लगेगा, 22,000 का टिकट करवाना पड़ेगा इसको ऊँट के लिए। ये बड़ा वाला ले लेते हैं, ये वाला बड़ा बढ़िया, पूरा
मोहल्ले में दूध इसका पिलाया जाए सबको। ये देखो भाई धूप में ऐसे चराते हैं, देखो चरा चरा के एकदम काले हो गए भाई ये तो। तो भाई साहब ये हमको लेके जा रहे हैं रास्ता। ये भी ऊंट चराते हो आगे चलो। ऊंट चराते हाथ दिखा रहा। चलो रास्ता भटका दिया, बीसियों बार साइड बनाए लेकिन रास्ता जो है भूल गए। अल्तमस आप खुद देख रहे हैं यहाँ कितना सहरा जंगल है, पूरा जंगल ही जंगल है, पूरे रोड बनी हुई है चारों तरफ। ये आदमी किधर भी एक जरा मिस्टेक किया काम खत्म काम, उसको ये तक नहीं मालूम होगा कि मैं आया किधर से, आया किधर से या सलाम। चलो भाई जा रहे हैं आगे आगे, उन्हें पीछे पीछे हम लोग चल रहे हैं अभी। फाइनली गाइस खेमा मिल चुका है और ये कुछ ऐसा खेमा है देखें, ये देखो भाई ओहो ये खेमा है, ये खेमा है देखिए आप कैसा बना हुआ है, देखो पूरी पूरी फैसिलिटी है यहाँ पे। ये देखो पूरा फ्रिज वगैरह सब कुछ है, लेबन अच्छा किचन वगैरह सब दिया इसमें, किचन वगैरह भी, ये किचन भी देखो। ये देखिए ये पूरा किचन है, ये बाथरूम है, इधर बाथरूम वगैरह सब कुछ है, सब 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 पूरा टोटल सिस्टम मिलता है। ये देखो भाई बाथरूम भी है, ये बाथरूम है, टच फैन लगा, मतलब जैसे एक घर में फैसिलिटी होती है वैसे सारी फैसिलिटी है यहाँ पे। तो ये उनके कफील वगैरह का होगा ये पूरा, है ना कफील का है? हाँ, जो मतलब वर्कर का तो नहीं होगा ये? नहीं नहीं कफील लोग है, वर्कर लोगों का अलग वहाँ खेमे में लगा। अच्छा अच्छा वो ऊपर वहाँ पे शायद होगा या तो इधर कहीं होगा। तो भाई साहब देख सकते हैं आप ऐसा कुछ खेमा होता है, चाय यहाँ पे होगी, गावा चाय खजूर गावा। ये देखिए चलो भाई बैठे आराम आराम, बहुत थक तो गए आप लोग हैं। ये देखिए शाहिद भाई पूरी कुर्सी संभाल ली अपनी। तो भाई देख सकते हैं यहाँ पे शाहिद भाई चाय बना रहे हैं, अब शाहिद केतली वल्ला चाय यार, मतलब यहाँ पे सारा इंतजाम है भाई। यहाँ ये गैस है, गैस है, ये चूल्हा है, ये इलेक्ट्रिक, तो लाइट वगैरह सिस्टम कैसे रहा, जनरेटर है ना नीचे, सौर ऊर्जा लगा हुआ, अच्छा सौर पैनल पूरा, सौर पैनल लगे हुए, एकदम काली चाय, यहाँ दूध का कोई काम नहीं। अभी दिखा रहे हैं। अरे ये देखे ये कहा, ओहो हो अरे खूबसूरत खूबसूरत चाय, ये देखिए काली नहीं है ये, ओहो सुलेमानी चाय है, ये सुलेमानी, सुलेमानी चाय, तो चलो भाई टेस्ट करते हैं शायद मैंने चाय कैसे बनाई है। माशाल्लाह एक नंबर चाय है सर। खजूर खाने के साथ और बढ़िया लगी, टेस्ट बढ़ रहा है ना उसका। तो ये सब ये मजे होते हैं भाई रेगिस्तान के अंदर। उतनी दूध पियोगे? सच्ची पिला दे दूंगी। आपने पिया? देखो आपने पिया? हाँ कैसा टेस्ट होता है? बहुत पेट के लिए इतना फायदेमंद है, पूछो मत, हल्का नमकीन होता है। अच्छा निकाल देता है पेट। फाइनली गाइस अभी हम आ चुके हैं और हमें आप मिले हैं। भाई आपका नाम क्या है? सदीक। सदीक भाई जो कि यहाँ पे भाई बकरियाँ चराते हैं, तो कितना साल हो गया आपको यहाँ पे? मेरे को 12 साल हो गए। 12 साल हो गया, बाप रे 12 साल से, मतलब आप यहाँ पे बकरी चला रहे हैं? बकरी चला रहे हैं 12 साल। तो कभी मतलब घर जाने का मन नहीं करता? नहीं घर जाते हैं, घर जाते हैं उसके बाद भी आते हैं, मतलब आप मतलब दिल लग गया यहाँ पे? दिल लग गया, मजबूरी है भैया क्या करें, मजबूरी है। तो कितने घंटे काम करना पड़ता? भाई 24 घंटा। 24 घंटे बकरी चलाओ? नहीं सुबह से लेकर शाम तक, शाम तक 24 घंटा मतलब यही रहेगा, यही रहना पड़ेगा और तो, कोई नहीं जाएगा। तो जब पहली बार आप आए थे यहाँ तो दिक्कत, तुम्हारा दिमाग तो खराब हो गया होगा? दिमाग तो पहले ही खराब हो गया, तो क्या क्यों करें, कभी ऐसे मन नहीं कि भाग जाए यहाँ से घर? अरे वो तो भाग ही कर रहा है, तो फिर अब क्या करें भैया, पैसा लगा के आदमी आई तो काम करेंगे। तो नहीं जब घर चले गए तो फिर दोबारा क्यों आ गए? दोबारा तो आना ही पड़ेगा ना भाई, क्या कर जाए, माने कि पैसा कर्जा, दूसरे काम में भी आ सकते थे आप? चले भाई क्या कर जी, फिर पैसा लगा जी, फिर और कुछ कर जी, तो फिर मुश्किल जी। सैलरी कितनी? 1200। खाना पीना सब उसी में? ना खाना पीना का, खाना पीना का बिल देता है, टिकट का, टिकट का भी। तो कभी मान लीजिए अगर एक बकरी गायब हो गई तब? तब तो मुश्किल, मुश्किल है, सैलरी काट लेगा, सैलरी काट लेगा। ओ तो कुछ कभी कैसे कुछ हुआ कि बकरी? ना ना कुछ नहीं हुआ मेरे से, नहीं हुआ बकरी मतलब जान गई कि आप? कुछ नहीं हुआ मेरे से, एक बच्चा भी कुछ नहीं, एक बच्चा भी नहीं हुआ ना। ओ मतलब 12 साल काट दिया आप? 12 साल। तो अभी कितना मतलब प्लान रहने का यहाँ पे? प्लान है 2 साल 4 साल। और तो यार लड़का की शादी कर, आप इंडिया से? इंडिया में कहाँ से? गोरखपुर से। तो भाई साहब ये शादी के भाई है जो कि बताओ बकरियाँ चलाते हैं, अरे भाई कितनी बकरियाँ होंगी टोटल? ये 400 लोग।
400 बकरी अकेले चलाते हैं। बाप रे, इतना बड़ा रेगिस्तान है, रेगिस्तान में घूमते रहते हैं। वैसे खाना पीना कैसे, क्या होता है? खाना पीना ठीक है, ठीक है। पानी वगैरह? पानी मीठा। पानी आता कहाँ से? वो ले आता है, कपिल आता है। अच्छा अच्छा, थोड़ा मुझे बकरी दिखाइए कि बकरी यहाँ की कैसी होती है। हमारे वहाँ तो बकरी ऐसे होती नहीं है ना, ना? बकरी ये काफी मतलब बड़ी बड़ी बकरियाँ है ना। इंडिया में छोटी छोटी बकरी होती है, हाई होती है, और इनके बाल कितने बड़े बड़े हैं। ये बाल वगैरह कटिंग कटिंग करते नहीं करते? नहीं करते। ये देखे गाइस, ये बकरियाँ देखो आप, आपको हमारे सादिक भाई हैं ये इंडिया गोरखपुर के, जो कि भाई यहाँ पर बकरियाँ चलाते हैं, तो आपको ये पकड़ के बकरी दिखाएंगे। हाँ भाई, ये देखें कितने सारी बकरियाँ भाई, 400 बकरियाँ। ये देखो 400 बकरियाँ भाई, 400 बकरियाँ ये भाई चराते हैं। बताइए कहीं ना कोई इंसान बस ये मजरे में, मतलब मजरे में सहारा का रेगिस्तान है, यहाँ पे ये बकरी चराते हैं भाई। देखो ये देखें, ओह हो, थोड़ा एक बकरी पकड़ के दिखाइए ना। अच्छा ये क्या भेड़ा है? क्या ये भेड़ा है? ये भेड़ है, ये भेड़ है। अच्छा ये भेड़ है, ये बड़े वाले भेड़ है, ये बकरी है ये वाली ना। ये देखो भाई, अच्छा अच्छा अच्छा, हमारे वहाँ ऐसे मतलब भीड़ नहीं होते, ब्राउन कलर के, ब्लू है ना, ब्राउन होते हैं, भूरे। ये देखें कितने सारे भाई भेड़ हैं। तो जिंदगी भाई आसान नहीं है, बहुत सारे लोग आते हैं। अच्छा सादिक भाई ये बताइए, जब आप यहाँ पे आए थे तो आपको मतलब बताया गया था कि आपको यहाँ भेड़ चलाना है? हाँ, वो मतलब बच्चा खाली चराव करे। अच्छा, मतलब पता था कि बकरी चराना? हाँ, बकरी ना ही बच्चा। बच्चा हाँ। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होता है कि उनको मालूम नहीं होता ना, ना वो बोला और डाल देते हैं यहाँ पे। ना ना, खाली बच्चा बोला था, बच्चा रखने के बाद अलग अलग डाल के बस खाता। अच्छा, अब उसके बाद वो बंगाली रहे, उसके बाद हमको बंगाली चले गए घर है, हमको बकरी में डाल दिया। घर की याद आती है? हाँ, घर है तो बस 18-19 महीने घर चले जाए। अच्छा, घर चले जाता है, हर साल चले जाते हैं घर? हाँ, 2 महीने के लिए? हाँ ना, 4 महीने। 4 महीने के लिए? अरे तब तो भाई वो ठीक है, आराम है। बाकी देखें कुछ ऐसा है, और ये पूरन का खेमा, यहाँ रहते हैं आप? हाँ, तो चलो आप पहले आपको दिखाइए कहाँ पर रहते हैं आप, ठीक है? वो भी दिखाते हैं आपको मैं, चलो। तो भाई साहब देख सकते हैं रेगिस्तान में ऐसे भेड़ बकरियाँ चढ़ती है, ये देखें। ओहो, ये हमारे इंडियन भाई हैं, ये देखें, ये इंडियन के हैं जो कि यहाँ पे बकरियाँ चराने काम करते हैं, भेड़ चराने काम करते हैं। ये है भाई जो कि भाई सहारा के रेगिस्तान में भेड़ बकरियाँ चराते हैं भाई। ये देखो, ये है इनकी जिंदगी, देखो आप। ओ बाप रे, ये जिंदगी देखो, कितनी सारी भेड़ है, और ये इकलौता बंदा ये 400 भेड़ बकरियाँ चराते हैं। देखो ये देखो, देखो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये भेड़ा है। पहले तो मैं समझा कि ये बकरियां हैं, लेकिन ये बकरियां नहीं है, ये भेड़ा है भाई, मारने के लिए आ रही हैं क्या ये? ये देखो, अब तो डर लग रही है। ये देखो भाई कितने सारे भेड़ा, और ये यहाँ पे इनका घर है जहाँ पे ये लोग यहाँ पे रहती हैं। ये देखो कितने सारे भेड़ा। हाँ भाई चलो, हाँ चलो भाई, सपोज करो आप ये जो वीडियो देख रहे हो, आप यहाँ पे नौकरी कर रहे हो भाई, ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी आपकी। ये देखिए कितनी सारे भेड़ बकरियाँ, देखो। ओहो, और ये इकलौता बंदा, और इधर देखो ये बकरियाँ हैं। ये देखो, आपको मैं बकरियाँ भी दिखा दूँ, यहाँ की बकरी कैसी होती हैं। भेड़ तो आपने देख लिया, अब बकरी देखो। ये देखें, ये बकरियाँ हैं, देखो भाई, छोटी छोटी बकरियाँ, एकदम बड़े बड़े बाल बकरियाँ, बकरे, ये देखें। तो गाइस देख सकते हैं, ये उनका घर है, ये देखो ये घर है, और इसके अंदर ये सारे भेड़ जो हैं बंद रहते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, रात में पता नहीं भाग जाए तो फिर ये सब काउंटिंग में होते हैं। देखो, हाँ भाई ये देखो, सब काउंटिंग में होते हैं, सारे इतने भेड़ हैं, और ये वाला जोन जो है ना, ये बकरियों का जोन है, और सब आवाज़ कर रहे हैं। देखो ये देखें, ये बकरियाँ, इधर बकरियों वाला है और इधर भेड़ों का है। ये देखो, ये देखें भाई, यहाँ से एंट्री होती है, और सादिक भाई ये हमारा, सादिक भाई मतलब ये इनका घर है, यहाँ यहीं पे रहते, थोड़ा रुकिए, यहीं पे रहते हैं ये। तो मतलब जब ये भागते वगैरह नहीं है। ये देखे भाई हमारे सादिक भाई है। सादिक भाई आप रहते कहाँ पे, घर कहाँ पे आपका वो? अरे चलो सादिक भाई का आपको मैं घर दिखाता हूँ, ये रहते कहाँ हैं। आप देखेंगे ना तो आप कहेंगे लिटरली में यार यहाँ रहते हैं। बाकी आप ये देखो, ये बकरियों वाला है, ये देखें, ये बकरियों का जोन है जहाँ पे बकरी बकरा ये रहते हैं। देखो उनके बच्चे भी भाई, बकरियाँ कितनी खतरनाक है यार, ये देखो। आ हा, ये देखें बकरियाँ
अच्छा पकड़ गए आप, दिक्कत। अरे भाई के लिए दिक्कत है, क्या करता है आदमी जो पता है मजबूरी में आता है फंस जाता है, तो बहुत सारे लोग भाग जाते हैं, उनमें से ये भाई भी हैं जो कि कैमरा में नहीं आना चाहते, कोई परेशानी ना हो उनको। बाकी आप देखें इधर ये भेड़ बकरियाँ सहारा के रेगिस्तान में, ये देखें। ओहो हो 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 हो, आ जाओ आओ 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 आओ। तो अभी चलो हम आपको दिखाते हैं ये रहते कहाँ पे। लिटरली में यार आप देखोगे ना, अब आप जानते भी ये भी जानते हैं कि भाई सहारा का जो रेगिस्तान है अभी तो मौसम ठंडा है, लेकिन जब गर्मी आती होगी ना बाप रे दिमाग ख़राब हो जाता है। ये देखो इस वैन में ये भाई रहते हैं, देखो ये देखो। अच्छा मतलब किचन वगैरह सब इसी के अंदर। ओहो ये देखो पूरा घर है इनका। आह पहले मैं आपको पीछे से दिखाता हूँ, ये देखो देखो ये देखो ये ये इनका बेडरूम देखो आप, यहाँ पर दो लोग सोते हैं और ये वैन में देखो किचन वगैरह सब बना हुआ है, देखो यहाँ पे खाना बनाते हैं और ऐसी इनकी लाइफ है, देखें यहाँ पे सोते हैं। ओहो हो कोई एसी नहीं, कोई पंखा नहीं, सिर्फ देखो ये बैटरी मोबाइल वोबाइल चार्ज करने के लिए, देखो ये किचन। तो ये ज़िंदगी है भाई, देखो पैसा कमा, ये ज़िंदगी है भाई। हाँ जब गर्मी पड़ती है, जब गर्मी पड़े तो क्या करें, पंखा वगैरह वहाँ जाते हैं। ये देखें तो चलो मैंने कहा आज आपको दिखाते हैं भाई जो रेगिस्तान में लोग रहते हैं, बकरियाँ भेड़ चराते हैं इंडिया के लोग, उनकी लाइफ दिखाते हैं। हाँ शायद भाई बड़े ज़िंदगी खतरनाक है भाई ये तो। हाँ क्या कहना चाहेंगे, जो लोग फंस जाते हैं वो तो उनकी नानी याद आ जाएगी। अब इनके दिल से पूछो बेचारे को कितना जंगल सहारा है, यहाँ कोई नहीं, नादम नादम जात खलास बेचारे अपना। भाई 12 साल से यहाँ, 12 साल से, 12 साल पुराने आदमी, और कह रहे हमको अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, आदत पड़ गई ना। हाँ भाई चराएंगे बकरियाँ, ना भैया हमारा काम सही है, एक मोबाइल ले लो बस घूमते रहो। हाँ भाई ना ठीक हो, ये देखे चलो चले, चलो भाई फटाफट निकलते हैं भाई। ओके भाई अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। अच्छा लगा भाई से मिलकर भाई, हमारे इंडिया के गोरखपुर। चलो भाई बाकी देखा आपने कहाँ रहते हैं भाई रेगिस्तान में, देखो चारों तरफ आपको सिर्फ रेत रेत, बकरियाँ ऊँट यही दिखाई देगी। ये देखो गोरखपुर के भाई हैं, उसी नगर के। अभी रहो नहीं जा, इबगा बुर्ज बुर्जवर सीधा, जज़ाकअल्लाह खैर या हबीब। ओके ओके, तो भाई साहब चल रहा है कोड रेड, सऊदी अरब का मोस्ट वायरल एनर्जी ड्रिंक है, मतलब इसको पीने के बाद आदमी इतनी तेज से काम करता है, नींद नहीं आती है। तो हमने कहा चलो चांद भाई ने कहा तुमको पिलाते हैं कोल्ड रेड, हमने चलो भाई बड़ा नाम सुना कोई भी हो तो कोल्ड रेड पिलाऊंगा कोल्ड रेड पिलाऊंगा, फाइनली कोल्ड रेड पी लिया, एनर्जी आ गई मुझे, अब मैं 10 किलोमीटर आराम से दौड़ सकता हूँ। नींद में नहीं आती, नींद में नहीं आती, जो गाड़ी ड्राइविंग करते हैं उनके लिए बेस्ट बेस्ट है। तो फाइनली गाइस अभी रूम चलते हैं, वहाँ से तो हम आ गए थे और यार काफ़ी मतलब यार देखा मैंने सहारा के रेगिस्तान में कैसे बेचारे फंसे हुए। और एक बंदा तो ऐसा है कि मतलब वो बंदा जो था ना दम्मा में काम करता था करीब 1400 रियाल में, ठीक है, तो उसको किसी ने लालच दिया कि मैं तुमको 200 बढ़ा के दूंगा। अच्छा। वो वहाँ से भाग गया, उसके कफील ने उसको पकड़ लिया, पकड़ के रमल में डाल दिया, रेगिस्तान में बकरी चला रहा था, ठीक है। तो मतलब ये लाइफ है भाई, बहुत सारे लोग आते हैं फंस जाते हैं, उनको रेगिस्तान में ऊँट बकरी चलाना पड़ता है, और लेकिन जो जिससे मैंने बात किया उनको मालूम था वो खुश हैं भाई। उनको भाई रेगिस्तान में ही अच्छा लगता है, कहते भाई मस्त लगता है, जो जहाँ पे आ जाता है बस उनको वहाँ अच्छा लगने लगता है। जैसे हम लोग इधर हैं, हम लोग को इधर अच्छा लगता है फैमिली जैसे। ये पूरा क्या ना ये मैकेनिकल डिपार्टमेंट है, देखो पूरे लाइन से आपको गैरेज वगैरह मिलेंगे। बाकी आज हमारा मेन मोटिव था आपको दिखाना कि भाई जो मजरा, लेकिन वो मजरा नहीं था सहारा के रेगिस्तान में जो लोग बकरी भेड़ बकरी चराते उनकी लाइफ कैसी होती है। तो लाइफ तो यार फिर भी हरा भरा हो गया है, बारिश वारिश हुई है तो अच्छा। हाँ अभी हरा है, पहले बारिश नहीं होती, अब बारिश ज्यादा होती है, बारिश ज्यादा होती, पहले इतनी बारिश नहीं होती थी। तो चलो आज के इस फ्रेश ब्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करना, बाकी ऐसे ही हम आपको न्यू न्यू कंटेंट देते रहेंगे। ओके बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। सामने वाली खिड़की में एक चांद